कहते हैं कि जब सम्मान मिलता है तो सीना 56 इंच चौड़ा हो जाता है और सिर गर्व से उठ जाता है। मन में जहां खुशियों की लहरों से रोम रोम रोमांचित और हर्ष से भर उठता है, तो वहीं भविष्य में और भी बेहतर करने का हौसला मिलता है। कुछ ऐसा ही फतेहपुर पुलिस प्रभारियों के बीच देखने को मिला। दरअसल दीपावली पर्व के पहले अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने जाबाज प्रभारियों की प्रशंसा की और उनकी दिवाली की खुशियों को कई गुना बढ़ा दिया। बता दें कि अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने इन सभी प्रभारियों के कामों की खूब प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि वैसे तो जिले के सभी थाना प्रभारी आए दिन खुलासे कर रहे हैं, लेकिन गाजीपुर थाना अध्यक्ष नीरज यादव, एसओजी प्रभारी विनोद मिश्र, सर्विलांस प्रभारी अरविंद कुमार वर्मा और विंदकी इंस्पेक्टर रविंद्र श्रीवास्तव ने उल्लेखनीय कार्य किया है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। जनपद फतेहपुर के अंतर्गत सभी थाना प्रभारियों के द्वारा रोज कुछ न कुछ अच्छा काम किया जाता है। उसमें कुछ लोग उल्लेखनीय काम किए हुए हैं जिनका नाम लेना मैं उचित समझ रहा हूँ। उसमें नीरज यादव हैं एसओ गाजीपुर, रविंद्र श्रीवास्तव हैं बिंदगी, एसओजी प्रभारी हैं विनोद मिश्रा और सर्विलांस का प्रभारी हैं वर्मा। इन लोगों के द्वारा जो है आपसी कोऑर्डिनेशन से और अपराधियों की धरपकड़ और उनकी गिरफ्तारी में घटनाओं के अनावरण में काफ़ी अच्छी रुचि ली गई है, और जिससे जो है पुलिस विभाग का, जनपद फतेहपुर के पुलिस का नाम रोशन इन्होंने किया। मैं भविष्य के लिए सबको शुभकामनाएं देता हूं और जनपद वासियों को भी धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ दे रहा हूँ, और इस अनुरोध के साथ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई हैं उसके तहत जो है खुशियों के साथ ये त्यौहार अपना मनाएं। डेली इंसाइडर के लिए फतेहपुर से आशीष सिंह की रिपोर्ट।